बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे ही थे और हम लोग जो है वो अपना क्वेश्चन कर रहे थे, राइट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो तरीकों से हमने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, राइट। फोलियर पॉलिसी में मैंने आप लोगों को ये करवा दिया था, आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व उसको कर लिया था, राइट। तो फोलियो पॉलिसी भी हमारा ये दोनों मेथड से हो चुका था। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। हमें 5 मेथड से इसको करना है, ठीक है। ये जो दो अभी हमने मेथड्स किए हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, दीज आर द टू मोस्ट कॉमन मेथड्स, ठीक है। अभी हम एक और मेथड से इसको करने जा रहे हैं। मेथड नंबर 3 है इसका, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड, ठीक है। अब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड में होता क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड में आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लेवल। जिस साल प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होगी उस साल डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, जिस साल प्रोडक्शन लेवल कम होगा उस साल डेप्रिसिएशन भी कम होगा। ये मशीनरीज वगैरह के केस में बहुत ये अप्रोप्रिएट रहता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मशीनरीज का आप इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि मशीनरी अगर ज्यादा चलेगी तो उसमें ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, अगर मशीनरी कम चलेगी, कम प्रोडक्शन होगी तो उसमें कम वेयर एंड टेयर होगा। तो ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अपनी मशीनरीज के लिए, फैक्ट्री के इक्विपमेंट वगैरह के लिए इस किस्म की डेप्रिसिएशन मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो उसमें आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, के उस साल कितना रिडक्शन आया वैल्यू में, इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह है, विद द ओनली डिफरेंस के यहां पे हम इस पूरे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को हमें डिवाइड किससे करना है, यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, ठीक है। ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किससे डिवाइड किया था, इयर्स से, टोटल यूजफुल लाइफ इन इयर्स है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस, तो मैं इसको ये बात कह सकती हूँ टोटल यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, है ना, कि उसका जो मशीनरी है। अब इस फॉर एग्जाम्पल अगर एक सप्लायर है, एक सप्लायर आपको ये कहता है कि ये टोटल 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद मैं इसको क्या बोलूंगी कि भाई इसकी फिर एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, मुझे उसको बेचना पड़ जाएगा, इतनी बात समझ आ रही है। तो मैं एक किस्म का ये भी बोल सकती हूँ कि ये मशीनरी मुझे तब तक यूजफुल रहेगी, मेरे लिए तब तक बेनिफिशियल रहेगी जब तक वो 1 लाख यूनिट्स अपने पूरे प्रोड्यूस ना कर ले। 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद मेरे दिमाग में आएगा कि अब इसकी एफिशिएंसी खत्म हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई, अब मुझे इसको बेच देना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। मल्टीप्लाइड बाय उस साल, जिस साल का आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हो उस साल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, बिल्कुल मैक्सिमम यूनिट्स कह सकते हैं, लेकिन इसको कभी हम टर्म मैक्सिमम यूनिट्स नहीं कहते, राइट। इसको हम ये कहते हैं कि टोटल यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड इन इट्स यूजफुल लाइफ, क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, बाकी नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो मैंने आपको दो लिखवाए हैं, कॉस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओपनिंग नेट बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये जो दो फॉर्मूलाज है ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूलाज है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मूलाज आपके चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड के ऊपर आते हैं, देखें, फुल ईयर पॉलिसी या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, फुल ईयर पॉलिसी या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी का इस्तेमाल तब आता है जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ईयर्स की बेसिस पे। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम इधर आते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने इसको डिवाइड किससे किया हुआ है, टोटल यूजफुल लाइफ इन इयर्स
टाइम के बेसिस पे हमने इसको किया हुआ है डिवाइड, है ना, हमने इसको टाइम के बेसिस पे किया हुआ है। इसी तरह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आते हैं, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में टाइम कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एटलीस्ट ये डेप्रिसिएशन रेट के कैलकुलेशन में आपको यूजफुल लाइफ को इस्तेमाल करना था, है ना। जो आपने डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट किया है, ये किस तरह से कैलकुलेट किया है, 1 - √n। अब √n क्या था, n क्या था, n था आपका यूजफुल लाइफ इन इयर्स, अगेन टाइम इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं विद रिगार्ड टू टाइम, विद रिगार्ड टू मंथ्स, विद रिगार्ड टू ईयर। इस वजह से आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपने एसेट को प्रोपोर्शनेट करना है डेप्रिसिएशन को या नहीं, राइट। अब यहां पर आ जाएं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड में आपका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, आप डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो कि प्रोडक्शन कितनी हुई टोटल, है ना। अब भले वो एसेट आपने एक ही महीने में खरीदा था, अभी 1 महीना पहले खरीदा था, भले आपने 10 महीना पहले खरीदा था, आपको उससे अभी कोई गर्जी नहीं है। आपने बस ये देखना है कि टोटल 1 महीने के अंदर जो इस साल इस्तेमाल हुआ है, 1 महीने में उसने कितनी प्रोडक्शन की है टोटल, टोटल 3 महीने वो इस्तेमाल हुआ है, उस 3 महीने में टोटल प्रोडक्शन कितनी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड की बात करते हैं तो फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं। दोनों मेथड्स में आंसर आपका सेम ही आएगा, मतलब उसमें हम कोई फुल ईयर या प्रोपोर्शनेट को ध्यान उसमें नहीं देंगे, हमने सिर्फ एक ही आंसर कैलकुलेट करना है। हम ये कहेंगे 31 दिसंबर 2013 वाला साल, 31 दिसंबर 2013 वाले साल में अंडर यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, अब यहाँ पे आ जाएं, सवाल पर आ जाएं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड ओवर द यूजफुल लाइफ आर 7,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि उसकी जो भी यूजफुल लाइफ है उसमें टोटल उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो होगी 7,50,000। अब आप नीचे आए, अब आपको क्या दिया हुआ है, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द इयर्स एंड 31 दिसंबर 2013, 2014 एंड 2015, और इन तीनों सालों में आपने जितने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, 37,500, 1,32,000, 1,56,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा खुद जरा मुझे सोच के बताएं, आप कैलकुलेशन ये कर रहे हो किसके हिसाब से कर रहे हो, कि हमने जितनी प्रोडक्शन की उतने का ही, उतने के हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, जितने के हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उतने के ही हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका कैलकुलेट होगा। भले ही आपने यूनिट्स 3 महीने इस्तेमाल किया था, 3 महीने में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, भले 11 महीने में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इतनी बात आपने नोट कर लेनी है कि फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन आता है उन सालों में, उन मेथड्स में जिधर साल या मंथ्स या टाइम की इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मूले में कहीं पे भी हमने ईयर की बात नहीं की कि कितने ईयर्स, राइट, कितने मंथ्स इस्तेमाल हो रहा है, कितने इयर्स इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, यूनिट्स को ही बेसिस बना रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो अब आपके पास, जी मोहसिन, जुलेखा, उस जवाद, क्लियर है, ठीक है। आवर्स आवर्स तो नहीं है अभी, थोड़ी है अभी, तो हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम तो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आवर्स कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। आवर्स पे भी जब आएंगे ना उसमें भी आपको बात क्लियर हो जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना निकलेगा, कॉस्ट है आपकी 2.5 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू कितना है 8 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड 7,50,000, दिस ऑल मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 37,500, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो यहां पे आपने ये कहना है कि आपने टाइम के बेसिस पे डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट की, आपने यूनिट्स के बेसिस पे की, तो आप उसके अंदर वो जितने महीने भी इस्तेमाल हो रहा है वो आपका कंसर्न नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, 2,500,000 - 8 लाख डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई 37,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000,
तो आंसर आपके पास आएगा 85,000, ठीक है? आंसर आपके पास आ रहा है 85,000, क्लियर हो गई बात? ठीक है, साथ ही चले प्रैक्टिस के लिए आप नेटबुक वैल्यू भी निकाल लें। नेटबुक वैल्यू, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू कितनी होगी? हालांकि इस सवाल में नेटबुक वैल्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता था, इधर जरूरी नहीं है। इधर अगर आप देखो तो फॉर्मूले में अगले साल का जब आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालोगे तो उसमें ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कहीं नहीं आ रहा, राइट? इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप इसमें से नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो ताकि आपको वो बात भी क्लियर हो जाए, साथ साथ आप ये काम भी करते रहो। 2491500, तो ये इतफाक से स्ट्रेट लाइन मेथड वाला ही मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड वाला ही आंसर आ रहा है, लेकिन ये इतफाक है, ठीक है? ये सिर्फ इतफाक है, इस तरह से आपने ये नहीं कहना है कि दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, इसका मतलब है। चले जी, अब आते हैं 31 दिसंबर 2014 वाले साल में। अब 31 दिसंबर 2014 वाले साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे? 1,32,000, राइट? तो अब आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू दोबारा से वही चीज, 2.5 मिलियन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो 2014 में आपने 1,32,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो आपने इसको इसी तरह से एग्जैक्टली किया और आपके पास आंसर आ गया 299,200, ठीक है? ये आपके पास आंसर आ गया 299,200। अब आप क्या करेंगे, साथ ही आपने क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू भी निकाल ली। क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू में मैं ये कह सकती हूँ कि ओपनिंग नेटबुक वैल्यू थी 2,415,000 पिछले साल की क्लोजिंग, और इस साल फर्दर डिक्लाइन आया 29,200 का, राइट? तो 2,415,000 माइनस ये आंसर आ जाएगा 2,115,800। फिर आते हैं 31 दिसंबर 2015 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 2.5 मिलियन माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस साल आपने कितना प्रोड्यूस किया था? 1,56,000, ठीक है जी? क्लियर हो गई बात? मोहसिन, जवाब, जुलेखा, ठीक है? तो 353,600 ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है? फिर आपने किया कैलकुलेट नेटबुक वैल्यू इज इक्वल टू 2,115,800 माइनस 353,600, और ये आपके पास आंसर आ गया 1,762,200, ठीक है? तो अब इसके अंदर आपने किस बात का ख्याल रखा, इसमें आपको फुल ईयर पॉलिसी या प्रोपोर्शनल पॉलिसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, वो आपके लिए यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है जी? क्लियर है बात? तो आपने ये बस इसको इस तरह से याद रखना है कि फुल ईयर और प्रोपोर्शनल पॉलिसी उस सिनेरियो में इस्तेमाल होंगे जहां पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे टाइम को देखते हुए, टाइम के बेसिस पे, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरे अपने चौथे मेथड के ऊपर। फोर्थ मेथड है आपका आवर्स वर्कड मेथड, ठीक है? आवर्स वर्क मेथड, आवर्स यूज्ड मेथड, जो जो भी इसका सिनेरियो। अब इधर क्या हो जाएगा, जिस तरह अभी मेथड नंबर 3 में हमने क्या किया था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को हमने बेसिस बनाया था, अब इधर हम आवर्स वर्कड को मेथड बनाएंगे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मंथ्स यूज्ड, ठीक है, कि कितने महीने वो रेडी फॉर अवेलेबल था, भले वो यूज हुआ नहीं हुआ, जितना कितना हुआ कितना नहीं हुआ हमें नहीं पता, है ना?
वो जितने महीने हमारे पास पड़ा रहा हमने उतने महीनों का अपने पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में, और फुल ईयर पॉलिसी में हमने ये कहा कि वो पूरे पूरे साल ही हमारे पास पड़े रहे थे, राइट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में इन अदर वर्ड्स बेसिस क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, कि वो कितने टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज रहा, ठीक है। अवेलेबल फॉर यूज जो है वो हमारा बेसिस होता है। यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड के अंदर बेसिस क्या होता है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने आवर्स एक्चुअली वर्क उसने किया, मशीन को हमने जितने आवर्स चलाया उसके हिसाब से अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे भी इस मेथड में भी फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी का कोई अमल दखल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितने आवर्स एक्चुअली मशीन चली, राइट। तो उसके हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हमने अब ये नहीं देखना, अब हो सकता है वो 10,000 घंटे हमने चलाए हो, भले वो 1 महीने में चलाए हो 10,000 घंटे, या हमने उनको 3 महीनों में चलाया हो, या हमने उनको 11 महीने में चलाया हो, या पूरे 12 महीने में चलाया हो। हमारा फोकस क्या है, 10,000, यानी कि बस 10,000। क्लियर हो गई बात। तो हमें उसमें उसको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत अगेन नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिस क्या है, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मंथ्स या इयर्स नहीं है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर किस तरह से निकलेगा, बिल्कुल यूनिट्स प्रोड्यूस वाले मेथड से ही, सिर्फ उसमें हम थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स एक्सपेक्टेड फॉर मल्टीप्लाइड बाय सॉरी जुलेखा, आपने क्या लिखा है, ठीक है। टोटल आवर्स मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर, कि वो टोटल यूजफुल लाइफ में वो कितने आवर्स चलेगी, मल्टीप्लाइड बाय आपने इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितने आवर्स इसको चलाया, ठीक है। अब इसमें अगेन कर लेते हैं 31 दिसंबर 2013, करते हैं सॉल्व इसको। फॉर्मूला लिख लिया सबने, क्वेश्चन में आपके सामने ले आऊं, इसको सॉल्व करें, चलें करें, बिल्कुल करें, जल्दी से इसको करें, आवर्स वर्क का करें, फिर जल्दी से हम आते हैं। बड़ा ही मजे का भी हमारा एक मेथड रह गया है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। आवर्स वर्क को करें फिर इस पे आते हैं।
पहले साल का नेट बुक वैल्यू 714000, नहीं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, आर यू श्योर? बहुत हाई आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। फिफ्टीन थाउजेंड आवर्स और 6:30, चले इसको मैं करके देखती हूँ। अच्छा नहीं, आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 71,400 है, आपने 7,14,000 लिख दिया, ठीक है, चले सही है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल की ये आ गई, नेट बुक वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। सेकेंड जी बताएं, सेकेंड ईयर बताएं, एक सेकेंड, नहीं, हाँ यूज 2,500 ना आउट ऑफ 15,000, टोटल 15,000 था, उसमें आपने 2,500 इस्तेमाल किया, तो उसके हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। तो इसमें क्या आ रही होगी आपकी, 2.5 मिलियन? अच्छा नहीं, 1,500 नहीं है, -800,000 डिवाइडेड बाय वही 15,000, तो हर उसमें सेम रहेगा, ठीक है, 15,000 हर उसमें सेम रहेगा, बस आपका ये चेंज हो जाएगा। अगले महीने, अगले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा कितना, 2,83,333, ठीक है, और नेट बुक वैल्यू आपके पास कितनी आ रही होगी जी मोहसिन, उस जवाब यही आ रहा है सबका, और नेट बुक वैल्यू आएगी 2,145,267, ठीक है, और आखिरी वाले में 2,350 आवर्स इस्तेमाल हुए, तो आपने एग्जैक्टली यही चीज करनी है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 2,350 कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं, 1-2 रुपए का डिफरेंस चलता है, वो तो राउंडिंग ऑफ का मसला आ गया ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये आ गया और नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई दिस माइनस दिस, ठीक है, चलें जी क्लियर है सबको बात। मोहसिन, जवाद, जुलेखा, आ गए ये आंसर्स। तो सम ये आवर्स आवर्स वर्क मेथड से बस एग्जैक्टली वही चीज है जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाला है, सिर्फ डिफरेंस क्या है उसका कि उसमें अब आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की जगह आवर्स को लेना है, ठीक है, टोटल आवर्स और आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। ये काम करने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी मेथड के ऊपर, आखिरी मेथड आपका मेथड नंबर 5 है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड, ठीक है, चले ठीक है कोई बात नहीं, बस आप अपना चेक करते रहो कि आंसर आपका ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय डिजिट फॉर द ईयर। अभी सिर्फ इसको नोट कर लें, अभी समझाती हूँ क्या है ये, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय डिजिट फॉर द ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब सम ऑफ डिजिट्स क्या चीज है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आप फॉर्मूला लिख दें, एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, वेयर एन इज इक्वल टू टोटल यूजफुल लाइफ इन ईयर्स।
अब यहां पे भी क्या इन्वॉल्व हो गया, कहीं ना कहीं years यूज हो रहे हैं, है ना, year यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, n इज इक्वल टू years यूज हो रहा है। अब इधर भी आपके दिमाग में फौरन से घंटी बज जानी चाहिए, यहां पे भी फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी अब रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी ना किसी फॉर्मूले में n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ इन ईयर्स जरूर इस्तेमाल हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हमें दोबारा से इसको फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से देखना है। अच्छा, अब पहले आप इधर देख लें, पहले हम इसको अटेम्प्ट करेंगे फुल ईयर पॉलिसी से, क्योंकि वो थोड़ा आसान है, ठीक है, पहले इसको समझ लेंगे फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से। चलेंगे, अब इधर हम बात करेंगे डिजिट्स की, ठीक है, कितने यूजफुल लाइफ है इन इयर्स, आपके पास 5 इयर्स हैं यूजफुल लाइफ के, अब आपने करना क्या है, आपके पास पहला साल यूजफुल लाइफ का, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, ये मैंने पांचों के पांचों साल इस तरह से नंबर कर दिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब आपने करना क्या है, आपने इन इयर्स को डिजिट्स एलोकेट करने हैं, ठीक है, और डिजिट्स एलोकेट करने हैं रिवर्स ऑर्डर में। हमारे पास टोटल यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, सबसे पहले साल को हम एलोकेट करेंगे डिजिट नंबर 5, फिर दूसरे साल को डिजिट नंबर 4, फिर डिजिट नंबर 3, फिर डिजिट नंबर 2, फिर डिजिट नंबर 1। तो सबसे आखिरी साल को पहला डिजिट, सबसे पहले साल को सबसे आखिरी डिजिट, यू नो द अल्टीमेट नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। क्लियर हो गई बात? अगर 10 साल होते यूजफुल लाइफ, तो पहले साल को हम एलोकेट करते डिजिट नंबर 10, 10वें साल को डिजिट एलोकेट करते 1। क्लियर हो गई बात? जी मोहसिन, उस्मान, क्लियर है? उस्मान तो खैर नहीं है, मोहसिन, जवाद और जुलेखा, ठीक है, वो जुबान पे बस चढ़ा है, सही है? नहीं, अभी रेशियो की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम अभी अभी प्रोपोर्शनेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फुल ईयर को पहले देख रहे हैं, फिर प्रोपोर्शनेट पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो पहले फुल ईयर को देख लेते हैं। जब हमें कोई मतलब फुल ईयर आसान होता है ना, फुल ईयर में आपको ध्यान ही नहीं देना होता कि किस पीरियड कितने महीने इस्तेमाल हुआ, कितने महीने नहीं इस्तेमाल हुआ, पहले साल भी हमने कहना है भाई पूरे 12 महीने यूज हुआ, ठीक है, तो फुल ईयर पॉलिसी इज मच मोर इजियर, इट्स मच मोर सिंपलर, तो पहले हम इसको देखते हैं। अब आपने क्या करना है, अब इन डिजिट्स का आपने करना है टोटल, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। जी जुलेखा, नहीं, क्या कह रहे हो, रेशियो एलोकेशन है, आई डेंट गेट इट, रेशियो एलोकेशन क्या मतलब? कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी हम उस पर आए नहीं है ना, अभी हम उस पर आए नहीं है कि रेशियोज की क्या बात हो रही है, तो अभी आप अभी रुक जाओ, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, अभी इस पॉइंट पे तो कोई रेशियो की एलोकेशन नहीं हो रही ना, अभी हम सिर्फ इसको बस आपने इसी तरह से समझना है कि बस पहले हम उसको डिजिट्स एलोकेट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई रेशियोज क्या बनेंगे उसके, ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो जैसे यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो आपने क्या किया, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 आपने इसका यहाँ पे टोटल भी निकाल लिया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको फर्स्ट ईयर कौन सा था, फर्स्ट ईयर आपका था 31 दिसंबर 2013 वाला, है ना, फर्स्ट ईयर आपका ये वाला था 31 दिसंबर 2013, और आप फुल ईयर पॉलिसी ले रहे हो, यानी कि वो हम कहेंगे कि जैसे 31 दिसंबर 2013 में पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ, यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर ये इसी से बन गया, तो 31 दिसंबर 2013 आपने इसका अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है 15, यहां पे हमने इसी तरह कैलकुलेट कर लिया 15, मल्टीप्लाइड बाय डिजिट फॉर द ईयर, डिजिट फॉर द ईयर क्या है ये 5, राइट? तो आपने यहां पे मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 5। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का कितना आया? 5,66,667। अब चाहे तो दोबारा नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लें। नेट बुक वैल्यू आपकी वही 2.5 मिलियन। इसमें इसमें यूज नहीं होगी नेट बुक वैल्यू, ये बात याद रखिएगा। नेट बुक वैल्यू का इस्तेमाल मेजर होगा सिर्फ, सेकेंड फॉर्मूला है वो मैं बताती हूँ। वो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 यूजफुल लाइफ हो, 10 ईयर्स हो, अब आप बैठ के टोटल तो नहीं करेंगे ना कैलकुलेटर में, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, ऐसा तो नहीं करेंगे। आपको ये शॉर्टकट है कि सम ऑफ डिजिट्स, ये वाली अमाउंट निकालने के लिए ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है? मैं अभी बताती हूँ आपको। तो पहले इसको कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2,500,000 माइनस ये, ठीक है? अब यहाँ पे तो आसानी थी, यहाँ पे आसानी क्या थी, सिर्फ आपके पास 5 यूजफुल लाइफ्स थे तो आपने बड़े आराम से कैलकुलेटर में डाल दिया 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा हायर नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ सवाल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स, राइट? तो अब क्या कैलकुलेटर में लिखने बैठेंगे 20 प्लस 19 प्लस 18, सो ऑन सो फोर्थ, उसमें बड़ा ही टाइम लग जाएगा। तो अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, और वो क्या है? वो है n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2। इधर n क्या है? n आपके पास क्या है? यूजफुल लाइफ है ना। n इज इक्वल टू टोटल यूजफुल लाइफ, तो आपके पास टोटल यूजफुल लाइफ क्या है? 5 5 ईयर्स। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू आपने कहा 5 n मल्टीप्लाइड बाय n+1, क्या हो गया? 6 है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाय n+1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया? 15। यही आंसर आ रहा है। तो ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है। n जो भी है, टोटल यूजफुल लाइफ इन ईयर्स जो भी है, 10 है, 10 यूजफुल लाइफ है, तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10+1 यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 2, 55। तो अगर आप 10 इयर्स को इस तरह से डिजिट्स एलोकेट करके उन डिजिट्स का टोटल करें तो आंसर आपका 55 ही होगा। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? तो आंसर वुड बी 55। यहाँ पे आपने शॉर्टकट से कर लिया उसको, क्लियर है बात? सही है। अब हम आते हैं 31 दिसंबर 2014 के ऊपर। 31 दिसंबर 2014 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? वही कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब यहां पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, हर साल वही रहेगा, 15 ही रहेगा, राइट? सिर्फ क्या चेंज होता रहेगा, डिजिट चेंज होता रहेगा। अब दूसरा साल जो है आपका 31 दिसंबर 2014, उसमें डिजिट क्या है इस साल का? 4। तो आपने क्या कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो एग्जैक्टली यही वाली चीज हो रही है, विद द ओनली एक्सेप्शन कि आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4,53,333 अब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और नेटबुक वैल्यू आपकी हो जाएगी दिस माइनस दिस, नहीं 18,666। ये क्या आंसर आ रहा है? नहीं, ये अगले की बात करा, नहीं डेप्रिसिएशन तो 4,53,000 आ रहा है बच्चे। ये आ रहा है डेप्रिसिएशन, हमने कैलकुलेशन में गलती की होगी कुछ। ठीक है, सही है। फिर आपके पास क्या है, 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 में क्या आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कैलकुलेट करके बताएं। जी मोहसिन, जवाद, जुलेखा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है डेप्रिसिएशन। थ्री लाख 40,000, देखते हैं कि 3,40,000 है या नहीं। बिल्कुल 3,40,000 है, ठीक है। 3,40,000 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, और आपका नेट बुक वैल्यू कितना हो गया, दिस 1,480।
-340,000 यानी कि 1140,000। ठीक है, चलें अब फुल ईयर पॉलिसी अगेन, क्योंकि यहाँ पे इयर्स इन्वॉल्व हो गए, साल इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब है कि अब हमें फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को हमें अलग अलग करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अब इन दोनों चीजों की रेलेवेंस आ जाएगी। फुल ईयर पॉलिसी में अगेन आपको कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलते जाना है, ये अजम्पशन पे कि हमने वो एसेट जिस तरह 1 अक्टूबर को नहीं खरीदा था, हमने 1 जनवरी को खरीदा था। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शनेट पॉलिसी पे। इसी सवाल को अब हमें प्रोपोर्शनेट पॉलिसी से सॉल्व करना है। अब क्या हो जाएगा? अब होगा ये कि आपको पूरे पूरे महीनों की आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर पहले साल 2013 में 3 महीने इस्तेमाल हुआ है वो एसेट, अवेलेबल फॉर यूज रहा है 3 महीने, तो उसको आपने 3 महीने के लिए ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इधर आ जाए। अब आपने दोबारा से क्या करना है, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ तो आपकी पूरी 5 साल है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, नहीं नहीं बाकी ये इसका नहीं निकालना, सिर्फ पहले 3 सालों का निकालना है। वो सवाल ही ऐसा है, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको बाकी 2 सालों का नहीं निकालना। ठीक है, सिर्फ 1st 3 ईयर्स का वो रिक्वायर कर रहा है, 13, 14 और 15 का, 16 और 17 का नहीं चाहिए। पूरे 5 साल है ना आपके, लेकिन 5 सालों का वो नहीं मांग रहा। ठीक है, अच्छा अब इधर जरा मेरी बात गौर से सुने। आपकी अब प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में क्या होता है, अब आप मंथ स्पेसिफिक हो जाते हो ना, अब आप टाइमिंग बड़े स्पेसिफिक हो जाते हो। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, राइट, और मैं आपको ये बता रही हूं कि मैंने एसेट ये वाला कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2013 को, राइट, अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने 1 अक्टूबर 2013 को खरीदा है और सप्लायर ने मुझे कहा है कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो आप मुझे ये बात बताएं कि इसकी यूजफुल लाइफ एग्जैक्टली कब खत्म होगी, कब तक है ये? कैलकुलेट करके बताएं। अब आपने एग्जैक्टली 1 अक्टूबर 2013 से शुरू करना है और मुझे बताना है कि इसकी अब इसके 5 साल पूरे कब होंगे, एग्जैक्टली कौन सी डेट पे, कौन से महीने में और कौन से साल में। September 2018, वेरी गुड। ठीक है जुलेखा और मोहसिन, इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब ऐसे ही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेज, जस्ट फॉर ऐसे ही जनरल पर्पजेज, अब मुझे बात बताएं कि अगर ये फुल ईयर पॉलिसी होती, मतलब भले स्ट्रेट लाइन मेथड, भले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या ये सम ऑफ डिजिट्स मेथड, फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से मेरा फुल ईयर मतलब मेरा जो यूजफुल लाइफ है वो कब खत्म होगा? अब मैंने खरीदा तो इसको 1 अक्टूबर 2013 को है ना, लेकिन मैं कब से अज्यूम करूंगी, 1 जनवरी 2013 से, तो फुल ईयर की पॉलिसी के हिसाब से मैं क्या कह रही हूं कि मेरा मेरे 5 साल कब खत्म होंगे, पूरे 5 साल। December 2017, 31st December 2017 कैलकुलेट करो ना खुद ही, 2013 फर्स्ट ईयर हो गया, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि एक ही एसेट है, एक ही सिनेरियो है, लेकिन उसका फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से यूजफुल लाइफ की टाइमिंग अलग है और इधर हमारी इसकी टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसी एक जनरल बात की थी जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, अब इस पे आ जाते हैं। अब हमने क्या कह, हमने ये बात तो हम कह रहे हैं कि ये पूरे 5 साल इस्तेमाल होगा, है ना, इसकी यूजफुल लाइफ फुल 5 ईयर्स है, पूरे 12-12 महीने 5 साल तक वो इस्तेमाल होता रहेगा। अब बस डिफरेंस क्या है कि इस एसेट के 5 साल और हमारी अकाउंटिंग ईयर जो है वो कोइंसाइड नहीं करता, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अक्रूअल एंड प्री पेमेंट वाला के साथ है, राइट, कि उसको भी पूरे 5 साल चाहिए, वो भी पूरे 5 साल लेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसका 5 साल और हमारा अकाउंटिंग ईयर के जो 5 साल है ना वो कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हमने अभी क्या करना है,
हमने जो डिजिट्स एलोकेट करने हैं ना, वो तो एलोकेट करने हैं किसको देखते हुए, एसेट के यूजफुल लाइफ को देखते हुए। अभी हमने अपने अकाउंटिंग ईयर पे नहीं आना, ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि एसेट का पहला यूजफुल लाइफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा साल, ठीक है? अब हमने इनको डिजिट्स उसी तरह से एलोकेट कर दिए, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम आते हैं इधर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में खड़े हुए हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अब हमें थोड़ी सी, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया, अब हमें महीनों का ख्याल रखना है, ठीक है? अब हम आते हैं इस एसेट का के पहले 12 महीने, फर्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट ईयर। अगर हम देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें डेट्स का ख्याल रखना है। हम ये देख रहे हैं कि इस एसेट के पहले साल के 3 महीने, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे बिलोंग करते हैं कौन से अकाउंटिंग ईयर से। हम इस तरह से, अगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर दूं कि 3 मंथ्स बिलोंग करते हैं ऐसे अकाउंटिंग ईयर से जो कि एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को, और रिमेनिंग कितने महीने, 9 महीने, रिमेनिंग 9 मंथ्स कौन से अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मोहसिन, लेकिन आप जरा इसको देखो, इधर देखें, हम पहले साल की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ ताकि व्यू करने में आसानी रहे। चलें, हम एसेट के पहले यूजफुल लाइफ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले यूजफुल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पहले एसेट का जो पहला यूजफुल लाइफ है, उसमें से जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, ठीक है? और एसेट के यूजफुल लाइफ के बाकी 9 महीने पहले साल के, 9 मंथ्स, रिमेनिंग 9 मंथ्स बिलोंग कर रहे हैं कौन से फॉल, उसमें पीरियड में फॉल कर रहे हैं 31 दिसंबर 2014 में। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यानी कि हमारा जो एसेट का पहला ईयर है, यूजफुल ईयर, वो कब से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2013 से लेके 30 सितंबर 2014 तक। इज दैट क्लियर? यूजफुल लाइफ की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? एसेट्स यूजफुल लाइफ, अगर हम डेट्स के हिसाब से बात करें। यहां तक क्लियर है जुलेखा, जवाद? ठीक है, तो एसेट का, अब चलो एक काम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, पहले हम एसेट का पहला यूजफुल लाइफ बता देते हैं कि डेट के हिसाब से वो कब से कब तक होगा, 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2014। फिर दूसरा यूजफुल लाइफ होगा 1 अक्टूबर 2014 से लेके 30 सितंबर 2015। फिर तीसरा यूजफुल लाइफ होगा 1 अक्टूबर 2015 से लेके 30 सितंबर 2016 तक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जब हम इसको अपने अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से एनालाइज करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2013 से लेके 30 सितंबर 2014, इसके बीच में हमारा पहला अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा। ठीक है, हम जैसे ही 31 दिसंबर 2013 पे खड़े होके अपने अकाउंट्स बनाने पर आएंगे, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर आएंगे, हम बोलेंगे कि इस एसेट के पहले यूजफुल लाइफ के 3 महीने हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, ठीक है? और अगले 9 महीने, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनेट से बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ये, ठीक है? अब हम इधर एक एक करके आते हैं ताकि हमें आसानी रहे। हम आ गए 31 दिसंबर 2013 पे, ठीक है? अब हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है सम ऑफ डिजिट्स मेथड से, और हम खड़े में प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में। आपने ये कहा 2.5 मिलियन -8 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, तो वही 15 ही रहेगा, है ना? सम ऑफ डिजिट्स तो वही 15 ही रहेगा, आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लो, ये तो आपका 15 ही रहना है, ठीक है? डिवाइडेड बाय 15, अब करते हैं मल्टीप्लाइड बाय पहले साल का, आपके 3 महीने इसमें फॉल कर रहे थे, तो आपने पहले साल का डिजिट तो दे दिया 5, राइट? और इस 5 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3/12। क्लियर हो गई बात? ये एग्जैक्टली, यहां तक एग्जैक्टली वही था जो कि फुल ईयर वाला था।
सिर्फ हमने अभी क्या कर दिया, इसको प्रोपोर्शनेट कर दिया और हमने आंसर निकाल लिया कि पहले साल का आपका जो आंसर था एग्जैक्टली आपने उसको मंथ वाइज कर दिया, आपने एग्जैक्टली उसको यही चीज लिखी। ठीक है, किधर आ गया, ये रहा एग्जैक्टली यही चीज, यही आपका मतलब कैलकुलेशन आपकी एग्जैक्टली यही थी, विद द ओनली डिफरेंस कि आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको फर्दर 3/12 कर दिया, यानी कि 141667 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? पहले साल में कोई मसला नहीं होगा। अब नेटबुक वैल्यू निकालने के लिए आपने 2.5 मिलियन माइनस 141667 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा ये 2358333। इधर तक क्लियर है सबको? पहला साल इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है, इज दैट क्लियर? अब आ जाए 31 दिसंबर 2014 के ऊपर। ठीक है, जुलेखा और मोहसिन आपको भी क्लियर है? चले ठीक है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं दूसरे साल की डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, अब इधर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, पहले साल में क्या हुआ है, आपका जो डिजिट 5 था उसका सिर्फ 3 पार्ट्स आउट ऑफ 12 आपने एलोकेट किए थे, है ना? जो पहला डिजिट आपका 5 था उसको आपने 3/12 कर दिया था। अभी भी 5 को आपने पूरे 12 महीने के लिए चार्ज करना बाकी है, राइट? आपको अभी फर्दर 9 महीने इसके रहते हैं, इस डिजिट के 9 महीने अभी भी रहते हैं आउट ऑफ 12 मंथ्स। आपने पहले साल क्या किया था, डिजिट नंबर 5 के 3 महीने की चार्जिंग कर दी थी और रिमेनिंग 9 मंथ्स को आपने कहा था कि हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल नहीं करता। अब आप इधर आ जाएं, अब इसी डिजिट नंबर 5 के 3 महीने तो आप एलोकेट कर चुके हैं 31 दिसंबर 2013 में, राइट? रिमेनिंग 9 मंथ्स इस डिजिट 5 के आप एलोकेट करोगे कौन से ईयर में, 31 दिसंबर 2014 में, इज दैट क्लियर? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पहला पार्ट हमने निकाल लिया, ये पहला पार्ट है। ठीक है, ये पहला पार्ट है, हमने कहा 2.5 मिलियन माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 इंटू 9/12। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, इज दैट क्लियर? जी मोहसिन, जवाद, जुलेखा, यहां तक क्लियर है? डायरेक्ट नहीं करेंगे? अच्छा, अब 31 दिसंबर 2014, 12 मंथ्स का करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन 5 डिजिट नंबर 5 को तो 12 मंथ्स का नहीं करेंगे ना। डिजिट नंबर 5 के 3 महीने आप एक साल पहले साल में ले जा चुके हो, डिजिट नंबर 5 के बस आपके सिर्फ बाकी 9 महीने बचेंगे जो यहाँ पे जाएंगे, अब उसको 12 महीने तो पूरा करना है। अब 31 दिसंबर 2014 में एसेट तो इस्तेमाल हुआ है पूरे 12 महीने, एसेट को आपने खरीद लिया था 1 अक्टूबर 2013 को, 2014 की बात करेंगे तो वो साल के शुरू से लेके आखिर तक आपके पास मौजूद रहा था, यानी कि एसेट आपने इस्तेमाल किया था पूरे 12 महीने, यानी डेप्रिसिएशन भी पूरे 12 महीने की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आप इसको 9/12 कर रहे हो, सिर्फ 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो रिमेनिंग 3 मंथ्स फिर क्या होंगे, फिर रिमेनिंग 3 मंथ्स डिजिट नंबर 4 के एलोकेट होंगे। अब यहां पे देखो, डिजिट नंबर 4 यूजफुल लाइफ नंबर 4 2, या सेकेंड सेकेंड ईयर जो है इस यूजफुल लाइफ का, वो कब से कब तक है, 1 अक्टूबर 2014 से लेके 30 सितंबर 2015 तक। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं, हम 31 दिसंबर 2014 पे खड़े हुए हैं, जो कि इस पीरियड के 3 महीने बाद आ जाता है शुरू होने के। ठीक है, तो इस ईयर के 3 महीने हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल करते हैं, बात समझ आ रही है? इस ईयर के 9 महीने हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे थे इस वाले, और इस पीरियड के, इस ईयर के 3 महीने हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल करते थे। तो डिजिट नंबर 5 के 9 महीने हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, और डिजिट नंबर 4 के 3 मंथ्स हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, और रिमेनिंग 9 मंथ्स फॉल करेंगे हमारे अगले अकाउंटिंग ईयर के अंदर। क्लियर हो गई बात?
हम अभी 31 दिसंबर 2014 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास देखो दो दो डिजिट्स के अंदर हमारे पूरे 31 दिसंबर 2014 के 12 महीने पूरे हो गए, 9 महीने यहाँ पे और 3 महीने यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हमने अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मतलब कंप्लीट करना है। हमने ये कहना है कि ये तो सिर्फ पहला पार्ट था हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। हमने क्या करना है, हमने कहना है कि अभी हमें रिमेनिंग 3 मंथ्स का काम करना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दोबारा से ये करेंगे, 2.5 मिलियन माइनस 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो हो गए पूरे 12 महीने पूरे, 9 महीने डिजिट 5 के और 3 महीने डिजिट 4 के। जी क्लियर है? ठीक है, मोहसिन, जवाद, उसामा, क्लियर हो गई बात? सीक्वेंस का ख्याल रखना है। हाँ, मतलब ऑर्डर ऑर्डर में चलोगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, सीक्वेंस में चलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले आप उस वाले पहले आप पहले साल को कंप्लीट करो, पहले डिजिट को कंप्लीट करो, फिर आप दूसरे डिजिट पर आओ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9/12, इसको मैं जरा सॉल्व करने के उसमें आ जाऊं। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? फाइव थ्री एट ट्रिपल थ्री, ठीक है, 5 3 8 3 3, फिर आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। नेट बुक वैल्यू आपके पास होगी 2 3 5 8 3 3 माइनस 5 3 8 1 8 2 0 0 0। ठीक है, अब जल्दी से मुझे 31 दिसंबर 2015 का कैलकुलेट करके बताएं। हाँ जी, कितना आ रहा है? 4,25,000। मोहसिन, जुलेखा, जवाद, कितना आ रहा है? अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिजिट नंबर 4 के 9/12 होंगे और डिजिट नंबर 3 के 3/12, राइट? बिल्कुल ठीक है, 4,25,000। नेटबुक वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,820,000 माइनस 4,25,000। नहीं जुलेखा, हाँ 4,25,000, ठीक है ठीक है, क्लोज टू द, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 4,25,000। वेरी गुड, जवाब यही आ रहा है आपका? चलें जी, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। सम ऑफ डिजिट्स मेथड का भी हमने देख लिया, फुल ईयर पॉलिसी में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में क्या होगा। तो मैं एक दफा फिर ये बात रिपीट कर देती हूँ कि फुल ईयर पॉलिसी और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी आपकी सारे मेथड्स में इन्वॉल्व होगी सिवाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और आवर्स वर्कड मेथड में, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा बेसिस जो है वो ईयर नहीं है, पूरा साल के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे, महीने के हिसाब से बात नहीं कर रहे, उसमें हम आवर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं और हम उसमें बेसिस बना रहे हैं यूनिट्स प्रोड्यूस को। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो हमारे पास ये जो पूरा क्वेश्चन था जिसमें वो हमसे ये कह रहा था कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है
तीन सालों का यूजिंग प्रोपोर्शनेट और फुलियर पॉलिसी एंड यूजिंग फाइव मेथड्स, तो हमने उन फाइव मेथड्स को भी देख लिया, हमने फुलियर और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को भी देख लिया। अब हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू पे और हम इसको देखते हैं कि अब हम इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के सामने डबल एंट्रीज इसकी लिख देती हूँ कि क्या हम डबल एंट्रीज इसकी पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंटिंग के दो मेथड्स हैं इसमें, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर हम बात करते हैं, जिस तरह अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में हमने दो तरीके पढ़े थे, टू अकाउंट मेथड और सिंगल अकाउंट मेथड, इसी तरह यहां पे भी टू अकाउंट मेथड और सिंगल अकाउंट मेथड होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली और एग्जाम में ज्यादातर आपके पास टू अकाउंट मेथड आ रहा होता है। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स में मैंने आपको क्या कहा था कि उसमें सिंगल अकाउंट फॉलो होता है ना, यहाँ पे नॉर्मली टू अकाउंट मेथड ज्यादा फॉलो हो रहा होता है। सिंगल अकाउंट मेथड को भी हम देख लेंगे कि क्या होगा, दोनों तरीकों को हम देखेंगे। इसको हम नेटबुक वैल्यू भी कहते हैं, एसेट इज कैरिड एट नेटबुक वैल्यू, और टू अकाउंट मेथड में हमें ये बात भी कही जा सकती है कि एसेट इज कैरिड एट कॉस्ट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, इनके मैंने आपको एक्सप्रेशंस भी बता दिए आगे ब्रैकेट में कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा, तो उसका क्या मतलब है कि किस किस मेथड को फॉलो किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? एक सेकेंड, भी है रिड्यूसिंग इन एसेट में यूज करते हैं जो काउंट डिप्रिसिएशन। रेखा, मुझे आपका पॉइंट समझ में नहीं आया। जी रिड्यूस मेथड, क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप क्या कह रहे हो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स में यूज करते हैं जो कम डेप्रिशिएट होते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं 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 ये बात मैं आपसे आखिर में करूंगी, ठीक है। ये बात मैं आपको आखिर में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि मेथड की अप्रोप्रिएटनेस, कौन से सिनेरियो में कौन सा मेथड ज्यादा जो है वो यूजफुल होगा। नहीं ये बात नहीं है, चलो अभी मैं बता देती हूँ। अभी सिर्फ सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स में नहीं इस्तेमाल होता जिनमें कम डेप्रिसिएशन होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है जिनकी जो पहले सालों में ज्यादा डेप्रिशिएट हो, ज्यादा उनमें वेयर एंड टेयर आए, ज्यादा उनमें उनका इस्तेमाल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और अगले सालों में उसका इस्तेमाल कम होता जाए, वेयर एंड टेयर कम होता जाए और उसकी वैल्यू में डिक्लाइन कम होता जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि भी आपका डेप्रिसिएशन आपका कम होगा, उसमें यह है कि ऐसा डेप्रिसिएशन तो दोनों सिनेरियोज में सेम ही होगा, टोटल वैल्यू में डिक्लाइन। अब अगर मैं आपको ये कहूं, अब देखो ये वाला क्या था, क्वेश्चन नंबर वन जो हमने किया था वो एक ही सिनेरियो था, और वो एक सिनेरियो क्या था कि जब आपने वो खरीदा एसेट तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 2.5 मिलियन, और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जानी है, 8 लाख रुपए। अब ये डिक्लाइन इन वैल्यू टोटल कितना आ रहा है, 2.5 मिलियन में से 8 लाख माइनस करें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 सालों के अंदर एसेट में डिक्लाइन कितना आएगा, तो आप मुझे बोलेंगे 1.7 मिलियन। अब ये 1.7 मिलियन का डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हमने किया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी किया, तो ऐसा थोड़ी है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कम हो रही है। टोटल डेप्रिसिएशन 5 सालों में कितने की होगी, 1.7 मिलियन की, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी। इतनी बात क्लियर है? तो आप जो बात कह रहे हो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें डेप्रिसिएशन कम होता है, तो नहीं, ये बात तो नहीं है, है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बस सिर्फ देखो तरीका डिफरेंट क्या है, इन पांचों मेथड्स को जो हमने इस्तेमाल किया, जो ये पांचों के पांचों मेथड्स थे, इनमें टोटल वैल्यू में जो डिक्लाइन आया है 5 सालों में, वो टोटल 1.7 मिलियन ही है पांचों के पांचों में, स्ट्रेट लाइन में भी, रिड्यूसिंग में भी, यूनिट्स प्रोड्यूस में भी, आवर्स वर्क में भी, और सम ऑफ डिजिट्स में भी। ये बात याद रखना, टोटल वैल्यू में डिक्लाइन 1.7 मिलियन ही है। डिफरेंस क्या है इन पांचों मेथड्स में कि अब हम एक साल का
डिक्लाइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो टोटलिटी के बेसिस पे टोटल डिक्लाइन इज द सेम इन ऑल द मेथड्स। डिफरेंस क्या है कि पर ईयर आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है, पर ईयर डिक्लाइन कितना आया है वो आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है वो डिफरेंट है। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या कहा, हर साल इक्वल डिक्लाइन आया। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होगा कि शुरू शुरू के सालों में ज्यादा डिक्लाइन आएगा, आखिर के सालों में मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो वैल्यू डिक्लाइन की कम होती रहेगी। राइट? सम ऑफ डिजिट्स में कुछ और मेथड है, यूनिट्स प्रोड्यूस में अलग है, आवर्स वर्क में अलग है। तो ये बात हम इंशाल्लाह आखिर में करेंगे, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा फिर हमें समझ में आएगा। क्लियर होगी बात? सही है। तो अब हम इसकी अकाउंटिंग पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहां पे आपका एसेट जो है इट इज कैरीड एट कॉस्ट, ठीक है? जब एसेट आपका कैरी होगा एट कॉस्ट तो फिर किस तरह से करेंगे, पहले हम टू अकाउंट मेथड को देख रहे हैं, ठीक है? टू अकाउंट मेथड में आपने इस बात को याद रखना है, अगेन एज द टर्म इटसेल्फ डिनोट्स, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आपके पास अब दो अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है? कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? एक अकाउंट बनेगा नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी इसी की बात कर लेते हैं, चलो मशीनरी की बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम मशीनरी की बात करेंगे, मशीनरी का कॉस्ट का अकाउंट बनेगा और मशीनरी का एक अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से आप डबल एंट्रीज पास करोगे, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस क्या है कि इधर आपका टू अकाउंट मेथड के अंदर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे। सिंगल अकाउंट मेथड में क्या होगा, ना कॉस्ट का अकाउंट होगा ना डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा, एक ही अकाउंट होगा और उसको हम बोलेंगे नेट बुक वैल्यू का। देखो क्या होता है, नेट बुक वैल्यू इज व्हाट, नेट बुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या किया, टू अकाउंट मेथड में आपने कॉस्ट को अलग रखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग रखा। नेट बुक वैल्यू मेथड में क्या हो जाएगा, आपने दोनों कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपने एक ही अकाउंट बना लेना है। इसमें कॉस्ट भी जाएगी, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जाएगा। किस तरह से, अभी देखते हैं, ठीक है? अब हम एक एक करके ट्रांजेक्शन पर आते हैं। पहली ट्रांजेक्शन मैं आपको ये बता रही हूं, परचेज्ड, नहीं, नॉट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्सेस नेट बुक वैल्यू, ये है, ठीक है? अच्छा, पूछ रहे हो आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है एक साल का डिक्लाइन इन वैल्यू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कि टू डेट आपने टोटल कितनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए हुए। बात समझ आई? हाँ, टोटल टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड टू डेट। जिस तरह अब मैं टू डेट खड़ी हुई हूँ 31 दिसंबर 2015 पे, ठीक है? मैं खड़ी हुई हूँ 31 दिसंबर 2015 पे और आज के दिन मैंने ये देखना है कि मैंने आज के दिन तक इस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया हुआ है। वो मेरा क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। क्या पहला साल में मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 141,667, फिर दूसरे साल 31 दिसंबर 2014 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज किया हुआ है, 538,333, और करंट ईयर में मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 31 दिसंबर 2013 में, 4,25,000। तो इस डेट पे मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा ये, और इस डेट पे मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाला होगा, सिर्फ इस साल का कितना है वो है 4,25,000, ठीक है? तो किसी भी डेट पे खड़े होके हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, ठीक है जी? क्लियर होगी बात? ठीक है, चलें जी, अब इधर आ जाते हैं। अब आपके सामने मैंने एक ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है, परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख।
अब इसको हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड दोनों मेथड्स में देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी, ठीक है, ताकि हमारे पास एक कंपैरिजन का एलिमेंट भी आ जाए कि भाई दोनों ट्रांजैक्शंस, दोनों एक ही ट्रांजैक्शन को दो तरीकों से हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपका ये टू अकाउंट मेथड है, मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देती हूँ ताकि आपको बात क्लियर होती रहे। चलें जी, अगर आपके पास ये टू अकाउंट मेथड है, ठीक है, एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट, तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, जिस डेट पे आप एसेट को खरीदोगे उस डेट पे आपने क्या करना है, मशीनरी के अकाउंट को, कॉस्ट के अकाउंट को करना है डेबिट, कितने से, 1,00,000 रुपीज से, और किसको करना है क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल बैंक या पेबल, ठीक है, जो भी, इसमें इससे हमारा भी कोई कंसर्न नहीं है। अगर तो आपने पैसे दे दिए तो कैश या बैंक, और अगर पैसे नहीं दिए तो पेबल फॉर फिक्स्ड एसेट, ठीक है, पेबल फॉर मशीनरी। क्लियर हो गई बात, ये आपका हो गया सिंगल टू अकाउंट मेथड के अंदर, वेयर एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट। आपने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट को आपने डेबिट किया, बैंक या पेबल को क्रेडिट किया। सिंगल अकाउंट मेथड में भी इस ट्रांजैक्शन की यही डबल एंट्री होगी, लेकिन इधर आपके पास मशीनरी का सिर्फ एक ही अकाउंट मौजूद है ना, इसको आपने टाइटल दिया हुआ है मशीनरी की नेट बुक वैल्यू, राइट, नेट बुक वैल्यू अकाउंट। तो इसमें आपने क्या किया, मशीनरी के नेट बुक वैल्यू को डेबिट किया, बैंक या पेबल अगेन उसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट को खरीद रहे हो तो एसेट का अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे एसेट का अकाउंट डेबिट होना है, ये बात आपको पता है, लेकिन अब टाइटल थोड़े दोनों के डिफरेंट है, मशीनरी कॉस्ट अकाउंट, मशीनरी नेट बुक वैल्यू अकाउंट। क्लियर होगी बात जी, मोहसिन, जवाद, जुलेखा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सबको। चलें जी, अब क्या होता है, अब होता ये है कि पहले साल का एंड हो जाता है, ठीक है, पहले साल का एंड हो गया, अब हमारे पास आया बिल्कुल, ये टर्म्स लिखें, बेहतर है कि लिख लें, ठीक है, शुरू शुरू में आप लिखें जरूर ताकि आसानी रहे आपके आपके लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, पहले साल का फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि जी फर्स्ट ईयर गुजरा, डेप्रिसिएशन फॉर एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर था फॉर एग्जाम्पल ₹10,000। अब यहां पे डिफरेंस आएगा मेजर, क्या डिफरेंस आएगा, डेप्रिसिएशन की अब डबल एंट्री देखते हैं। अब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया, भले पता नहीं स्ट्रेट लाइन से, रिड्यूसिंग बैलेंस से, जो भी मेथड से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट कितनी आई, ₹10,000। अब आप इसकी डबल एंट्री अपने पास रिकॉर्ड करें। अगर तो टू अकाउंट मेथड है तो इसकी डबल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंस आपका क्या होता है, डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, और मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है, डबल एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 से। और अगर ये सिंगल अकाउंट मेथड है तो आपने क्या करना है, आपके पास अब देखिए एसेट से रिलेटेड अब एक ही अकाउंट मौजूद है, कोई अलग अलग अकाउंट दो मौजूद नहीं है, इधर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मौजूद था, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो रही थी आप इस अकाउंट को भी हिट कर रहे थे, राइट, इधर आपके पास मशीनरी से रिलेटेड सिर्फ एक ही अकाउंट है और उसका टाइटल है मशीनरी नेट बुक वैल्यू। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना ही है, क्योंकि आपका एक लॉस हो रहा है, आपका एक रिडक्शन इन वैल्यू आ रही है, एक्सपेंस तो आपने रिकॉर्ड करना है, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका डेबिट होगा, लेकिन अब क्रेडिट करने के लिए आप कहोगे कि हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम का कोई अकाउंट नहीं है, मशीनरी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट ही मौजूद है, तो हमने इसी अकाउंट में ये रिडक्शन इन वैल्यू दिखा देनी है, बात क्लियर है जी, क्लियर हुई बात।
अब पहला साल है, पहले साल को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। पहले साल को हम क्लोज करते हैं, तो हम जब अब इधर आते हैं तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं होगी। पहले साल जब आपने एसेट को खरीदा था, मशीनरी को जब आपने खरीदा था, तो डबल एंट्री क्या पास की थी? पहले हम टू अकाउंट मेथड को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपने डबल एंट्री क्या पास की थी? मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट को डेबिट किया था 1 मिलियन से, ठीक है। 1 मिलियन से आपने इसको डेबिट किया था अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल पेबल, ठीक है। तो मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट को आपने डेबिट किया और पेबल या बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर साल का एंड हुआ तो आपने इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक और अकाउंट भी बना लेते हैं, वो दोनों जगह पे आएगा, राइट। आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट यहां भी आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट इन, ओहो क्या हो गया, चले। तो आपके पास क्या होगा? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अकाउंट आपने यहाँ पे भी क्रिएट कर लिया और ये अकाउंट यहाँ पे भी आएगा, सिंगल अकाउंट मेथड में भी आएगा, ठीक है। तो ये सिंगल अकाउंट मेथड में भी आपने करना है, बिल्कुल। हाँ, साल के आखिरी दिन की डेट लेंगे, 31 दिसंबर व्हाटसो एवर। अभी मैं डेट्स की बात नहीं करी, ठीक है, डेट की बात नहीं करी। चले इधर आ जाए। अब दूसरी डबल एंट्री आपने क्या पोस्ट की? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000। तो आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया 10,000 से अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में गए और यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया 10,000 का। पहला साल हो गया खत्म, है ना। पहले साल में आपने एसेट को परचेज किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर दी, और साल के आखिर में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अकाउंट्स को क्लोज करना है। मशीनरी अकाउंट क्या है? मशीनरी अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है। आपने इसको क्लोज किया तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी उसके आगे आप क्या लिखोगे? कैरेट डाउन, राइट। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 मिलियन का आंसर आ जाएगा एज अ कैरेट डाउन, और ये आपको पता है निकलेगी बैलेंसिंग फिगर। इज दैट क्लियर? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आते हैं। जिस तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता था, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता था ना, याद है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या था? ये कॉन्ट्रा एसेट था। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये वाला अकाउंट भी बिल्कुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। हाँ, ऑपोजिट ऑफ एसेट, यानी कि ये भी आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाना है, ठीक है। ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है, और जो भी आइटम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं ऑन अकाउंट में, वेरी गुड, ऑन अकाउंट्स में आता है कैरेट डाउन, राइट। तो जिस तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब यहां पे भी जब हमने इसको क्लोज किया तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई 10,000 की, वो भी हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? कैरेट डाउन होगा, ठीक है। वो हमारा एसओसीआई में नहीं जाएगा, ये फिगर भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है। तो मशीनरी के कॉस्ट के अकाउंट का भी कैरेट डाउन आता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, कैरेट डाउन लिखेंगे उसको। क्लियर हो गई बात? अब इधर आ जाएं। अब ये कौन सा अकाउंट है? तीसरा अकाउंट आपके पास है, ये एक्सपेंस का अकाउंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको आप क्या लिखोगे? 10,000 बैलेंसिंग फिगर आई, और इधर आप लिखोगे एसओसीआई, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट है, राइट। तो इधर आपने बैलेंसिंग फिगर को हमेशा क्या लिखना होता है? एसओसीआई लिखना होता है। इधर तक क्लियर है? तो आपके पास तीन फिगर्स आ गई बैलेंसिंग में। एक आ गई 1 मिलियन, ये 1 मिलियन क्या थी? कॉस्ट।
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 10,000. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आ गया? अगेन 10,000. इज दैट क्लियर? इधर तक क्लियर है सब? अब हम दूसरे उसमें जाते हैं. अब अगर फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाएं, अब इधर ही खड़े हुए हैं, टू अकाउंट मेथड में ही खड़े हुए हैं. अब हम आए हुए साल के आखिर में, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली. अब अगर मैं आपसे आके पूछूं कि जी मशीनरी की मुझे कैरियिंग अमाउंट तो जरा बताएं, मुझे बताएं कि आज की डेट पे आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट के अकाउंट में जाएंगे, कैरेट डाउन निकालेंगे, आप कहेंगे कि कैरेट डाउन इज 1 मिलियन. फिर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे कि टू डेट मेरे एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन कितना आया हुआ है, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और आप मुझे ये कहेंगे कि कॉस्ट की कैरेट डाउन कितना है? 1 मिलियन माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेट टोटल कितना है? 10,000. उसमें कैरेट डाउन कितना है? 10,000. दोनों के कैरेट डाउन को माइनस करेंगे और आप ये कहेंगे कि मेरे एसेट की जो वैल्यू है ना वो है अभी 9,90,000. ये टू अकाउंट मेथड में आपने मुझे अलग से कैलकुलेशन करनी करनी पड़ेगी, राइट? आप एज इट इज किसी भी अकाउंट को देख के मुझे फिगर नहीं बता सकोगे, है ना? आपको माइनस करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? आपने क्या किया? कॉस्ट का कैरेट डाउन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरेट डाउन, और दोनों आपने मुझे माइनस करके बता दिया कि जी आज की डेट पे नेट बुक वैल्यू कितनी है? 9,90,000. इधर तक क्लियर है सबको? अब हम आते हैं सिंगल अकाउंट मेथड में. सिंगल अकाउंट मेथड में इस साल में डबल एंट्रीज क्या हुई थी? आपने जब एसेट को खरीदा था तो डबल एंट्री क्या पास की थी? मशीनरी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट डेबिट और बैंक और या पेबल क्रेडिट. चले ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 मिलियन का अमाउंट यहाँ डेबिट कर दिया और इसके अगेंस्ट हमने लिख दिया कि जी बैंक या पेबल, ठीक है, व्हाटसो एवर जो भी केस हो, तो यहां तक आपने कर लिया. फिर जब डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने डेबिट किया और मशीनरी की नेट बुक वैल्यू अकाउंट को क्रेडिट किया. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट किया अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट मशीनरी का नेट बुक वैल्यू अकाउंट, ठीक है? और मशीनरी के नेट बुक वैल्यू अकाउंट में जाके आपने 10,000 का क्या दिखा दिया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. दैट्स इट, राइट? अब जब हमें अकाउंट्स को क्लोज करने की बारी आई तो हमने ये देखा, ये मशीनरी का अकाउंट है, नॉन करंट एसेट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा. जब हम इसको क्लोज करने पे आए तो हम लोगों ने कहा कि कैरेट डाउन कितना आया? अभी कैरेट डाउन आया 9,90,000. बैलेंसिंग फिगर क्या आई? 9,90,000. ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर ये आ गई, आपने इसके आगे कैरेट डाउन लिख दिया. अब ये देखें क्या है, आपको सिंगल अकाउंट मेथड में डायरेक्टली क्या पता लग गया? 9,90,000. ये क्या है? आपकी नेट बुक वैल्यू. क्यों? इसी अकाउंट में हमें नेट बुक वैल्यू क्यों मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि इसी अकाउंट में हमने कॉस्ट को लिया और उसके ऑपोजिट साइड पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया. तो रिजल्टेंट जो हमारा कैरेट डाउन है वो ना कॉस्ट है ना वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बल्कि वो क्या है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि नेट बुक वैल्यू. तो अब अगर आप सिंगल अकाउंट मेथड यूज करते हैं और मैं आपको किसी भी दिन आके पूछूं कि भाई आप मुझे नेट बुक वैल्यू बताओ, आपको क्या करना होगा? सिर्फ टी अकाउंट खोलना होगा और मुझे कैरेट डाउन बता देना होगा कि जी ये कैरेट डाउन है, ये हमारी नेट बुक वैल्यू. यू डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशन एट ऑल. इज दैट क्लियर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दी अदर हैंड उसी तरह से हम क्लोज करेंगे. हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाली 10,000 और इधर हमने लिख दिया SOCI. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट एग्जैक्टली सेम होगा दोनों सिनेरियोज में, राइट? इधर भी इस तरह से था, इधर भी इस तरह से था. क्लियर हो गई बात? बिल्कुल प्रोविजन की जिस तरह ही है, बिल्कुल प्रोविजन की तरह कही है. बस सिंगल अकाउंट इसमें एक किस्म का उस तरह समझ लें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स का एक किस्म का वो कॉन्सेप्ट दोनों केस में शामिल है ना? सिंगल अकाउंट मेथड, टू अकाउंट मेथड हमने अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स में पढ़ा था, राइट? और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का सिनेरियो यही वाला है कि ये जी कॉन्ट्रा एसेट है और इसमें एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है और सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ये भी क्या होता है, ये भी एक एस्टिमेट होता है ना, एस्टिमेट के बेसिस पे होता है लगभग कि हमने इतने का वैल्यू हमने डिक्लाइन किया. तो अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इस चीज का है कि
टू अकाउंट मेथड में आपने हर साल डेप्रिसिएशन को कहाँ लेके जाना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, और सिंगल अकाउंट मेथड में आप हर साल डायरेक्टली एसेट की वैल्यू को ही डिक्लाइन करते रहोगे, डिक्रीज करते रहोगे एसेट के अकाउंट के अंदर ही। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये इसकी डबल एंट्रीज होती हैं। हम अभी डिस्पोजल नहीं कर रहे, डिस्पोजल हम इंशाल्लाह करेंगे बाद में, वो भी अब आपके सिलेबस में शामिल हो चुका है। ठीक है, वैसे भी मैं करवाती भी थी, थोड़ा सा एक आइडिया देती थी डिस्पोजल का। तो अब हमें करना क्या है, हमें ही करना है क्वेश्चन नंबर टू, ये इंशाल्लाह फिर हम करेंगे कल। ठीक है, आप लोग कोशिश ये करो, कि इसको आप थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन नंबर टू को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये हैंडआउट वन में ही शामिल है, हमने वैसे भी इसको कल फिर देखना भी है। ठीक है, कल इंशाल्लाह एनी केस हम क्वेश्चन नंबर टू को भी देख लेंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया। जी क्लियर है? और फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में आप लोगों को कल होमवर्क दे दूंगी इसका, इसमें मिक्स होगा चीजों का। सही है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, नहीं है तो फिर इजाजत दें। ये डॉक्यूमेंट नहीं अपलोडेड नहीं है, मैं अभी अपलोड करूंगी इसको। ठीक है, चलें जी, जवाद, मोहसिन और जुलेखा, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज। और टेस्ट की आप लोग तैयारी करें, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और बीआरएस की। ठीक है, टेस्ट इंशाल्लाह होगा सैटरडे को, मैं अपलोड कर दूंगी, फिर आपके पास 2 दिन होंगे आप अटेम्प्ट करने के, सैटरडे और संडे। ठीक है, बीआरएस और अक्रूवल्स दोनों का इकट्ठा। चलें जी, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।